नमस्कार, आप देख रहे हैं जब न्यूज और मैं हूँ आपके साथ प्रिया तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 100 से अधिक आपराधिक मामलों में वंचित एक कुख्यात अपराधी राजेश राम पापड़ उर्फ चोर राजा को पुणे शहर पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के उसके घर से गिरफ्तार किया था। कटराज निवासी 37 वर्षीय को 12 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस उपायुक्त रामनाथ पोखले द्वारा संचालित एक टीम ने चोर को 5 महीने तक चोर राजा का पीछा करने के बाद उसे पकड़ा है। पुलिस उपायुक्त रामनाथ पोखले के अनुसार राजा को बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में घरों में घुसने और लूटने की कला में महारत हासिल थी और इसलिए अन्य चोर उसे राजा के रूप में जानते थे। रामनाथ पोखले ने बताया कि राजा को ट्रैक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वह मोबाइल फोन या गैजेट्स का इस्तेमाल नहीं करता था। राजा ने 7 साल की उम्र में लूटना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि कैसे पुलिस एक अपराधी को ट्रैक करती है और उसने सभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसे गिरफ्तार करने में समय लगा। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि राजा की मंगेतर के जूते में जीपीएस मशीन लगाने के बाद ही वह उसे पकड़ने में सफल हो पाए। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान राजा के लिए घर की चोरी को अंजाम देना मुश्किल था क्योंकि अधिकतर लोग घर से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया उसने घर में फिर से चोरी शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने राजा को ट्रैक करने के लिए चोर राजा नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जहां राजा से संबंधित सभी अपडेट्स उनके द्वारा पोस्ट किए गए थे। पुलिस कांस्टेबल गजानन सोनूने को सूचना मिली कि राजा अपने घर आ रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके लिए जाल बिछाया और अंत में उसे गिरफ्तार कर लिया। राजा की गिरफ्तारी के साथ अपराध शाखा ने पिछले 2 वर्षों में शहर के अलग अलग हिस्सों में 14 घर तोड़ने के मामलों में सुलझाने का दावा किया है। राजा के खिलाफ डेक्कन, बोंद गार्डन, भारतीय विद्यापीठ, दत्तावाड़ी, कोंडवा, बनोरी, सहकार नगर, विश्राम बाग, वारजे, मालवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक एक और सिंगर और हड़सपुर पुलिस स्टेशन सहित अन्य पुलिस स्टेशनों में चोरी के मामले दर्ज हैं। शहर के पुलिस उपायुक्त अमिताभ गुप्ता ने कहा कि राजा का चोरी का इतिहास रहा है और वह पुणे और पिंपरी चिंचवड़ इलाके में ऐसे 100 से अधिक मामलों में शामिल था। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।